वक्त ने एक बार फिर मुझे उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ मेरा रिश्ता फिर से टूटने को है। अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबर ने भी हार मान ली है, थक गए वो लोगों की बातें सुन सुन कर। एक बात बताओ मुझे, क्या जो मैंने किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी सजा मुझे रहती सांसों तक भुगतनी पड़ेगी? नहीं आपी, मैं बाबर को ऐसा नहीं समझती थी। मुझे लगता था वो हमेशा मेरा साथ निभाएंगे, पर उन्होंने भी हमसा की तरह मुझे अकेला छोड़ दिया ना। एक बार फिर मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। आप भी शिजा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया डिजर्व। आप ही मत रोए ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ही चुप कर जाए प्लीज। राइट, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। आपके जवाब का मुंतजर रहूंगा। शुक्रिया। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ। कहाँ? कनाडा। क्यों? बिजनेस तुमने अलग कर लिया, परीसा का और मेरा रास्ता किस्मत के हाथों जुदा हो गया। और फिर अब पीछे रहने की कोई वजह नहीं रही। बिजनेस अलग करने की वजह परीसा थी, अब जब वो वजह ही नहीं रही तो फिर? नहीं नवीन, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा ऐसा सोचना भी ना। और रही वजह बिजनेस को अलग करने की, तो कुछ शेयर्स हैं जो मैं परीसा के नाम करना चाहता हूँ। उसका शौहर होने के नाते मेरे पे जो फर्ज है वो मैं पूरा करूँगा। मेरा एक फ्लैट और कुछ शेयर्स मैं उसके नाम करके जाऊँगा। और आपका बच्चा? कुछ मामलात हैं जो मुझे परीसा के साथ अभी भी डिस्कस करने हैं।